हाय स्वीटी। अस्सलाम वालेकुम सजाब, कैसे हैं आप? खैरियत से पहुंच गए अपनी मंजिल पर? मंजिल मंजिल तो मैं पीछे छोड़ कर आ रहा हूँ, अब तो बस मैं सफर कर रहा हूँ अपनी मंजिल के बगैर। I'm suffering, you know. मेरा मतलब है सफर अच्छा गुजरा आपका। तुम कैसी बीवी हो यार, तुम्हारे बगैर अब कुछ भी अच्छा गुजर सकता है? नहीं, अब तो बस ये पूछा करो आप जिंदा है। मैं बोलूंगा हाँ, बल्कि नहीं, सच बताओ। मैं बताऊंगा अभी हार्ट बीट में सुई है, बुखार में तप रहा हूँ, सीने में दर्द हो रहा है। अस्तग़फ़िरुल्लाह मुस्तजाब, ऐसी खराब बातें मत करें, मैं नहीं सुन सकती। अच्छा बताओ, क्या तुम भी बस कह रहे हो मुझे? मुश्किल हो रहा है। अच्छा बताओ ना, तुमने कहा था जब बहुत ज्यादा मिस करोगी तो बताओगी मुझे। नहीं। क्या हमारी जुदाई का दर्द बर्दाश्त कैसे करियो? आप इतने जज्बाती और शिद्दत पसंद है, मुझे अंदाजा नहीं था। ए, मेरी बात सुन, तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, समझ आई? समझ आई या नहीं आई? जो भी हूं दुआ, मैं एक बात जानता हूं कि आज तुमसे मिलने के बाद एक बिल्कुल नया मुस्तजाब अहमद हूं मैं। अपने माजी का कुछ याद नहीं है मुझे यार, क्या लो याद नहीं रखना चाहता। दयान ने मुझे कुछ नहीं बताया। यहां आने से पहले मुझे मम्मी ने सब कुछ बता दिया था। दुआ, मैं तुमसे कभी भी कुछ नहीं छुपाना चाहता था। इनफैक्ट मैं हमेशा तुमसे सच कहना चाहता था, लेकिन तुम्हारी जुदाई का दर्द मुझे पागल कर देता है। दुआ, मेरे माजी का कुछ नहीं है मुझ में, या कह लो मैं अब तक लड़ रहा हूं, और अगर तुम भी कुछ याद ना रखो तो मेरी मदद होगी। मम्मी ने मुझे बताया था वो लड़की काफी मुश्किलात पैदा करी है आपके लिए। Don't worry, दुआ। बस तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रहे, मैं कुछ भी हैंडल कर सकता हूँ। तो ऐशा जैसे लोग के लाइफ में पानी के बबल से ज्यादा अहमियत नहीं रखते हैं, इनके बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। I have another confession to make. बोले। मैं कुछ ऐसा पाकिस्तान में सेटल नहीं हो सकता था। हम दोनों को यहाँ स्टेट्स में सेटल होना होगा। And I hope you'll understand. मर्द मोहब्बत का एतराफ कर लेना मुस्तजाब, तो औरत हर एतराफ कबूल कर लेती है। अब तो चांद पर जाने के बोलेंगे तो साथ जाना पड़ेगा। I was expecting nothing but the same from you. Okay, babe, I'll speak to you soon. Take care of yourself, okay? I love you, John. Okay, lafes. Don't worry, तुम मुझसे बहुत मोहब्बत करते हो। I know. शक उसकी मोहब्बत पे नहीं है। सुनो दाई, परसों शाबान की आखिरी तारीख है, फिर रमजान स्टार्ट हो रहे हैं। तुम प्लीज मुझे कल शहर लेकर चलो ना, मैं ईद की शॉपिंग कर लूंगी। तुम्हें तो पता है मैं रमजान में बाहर नहीं निकलती, और रोजे में तो शॉपिंग करने कोई जवाब बनता ही नहीं है। मुझे मेहंदी लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, पाजेब लेनी है, प्लीज चलो ना मेरे साथ। चलो ना यार, हो गया, चलते हैं।